सो गाइस आज के इस वीडियो में ये जानेंगे कि आपने जो वोटर आईडी कार्ड के साथ जो अपने आधार कार्ड को लिंक कराया था तो गाइस वो आपका आधार कार्ड कंफर्म लिंक हुआ या नहीं आप कैसे जानोगे। तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में पूरा फुल डिटेल जानकारी देंगे। और आपने ऑनलाइन घर बैठे बैठे अपना वोटर आईडी कार्ड के साथ अगर आपने अपना आधार कार्ड को लिंक कर दिया और आपने ये चेक करना चाहते हो कि मेरा वोटर आईडी कार्ड के साथ आधार कार्ड लिंक हुआ या नहीं मैं कैसे चेक करूँ, तो आप घर बैठे बैठे अपना मोबाइल फोन की मदद से आप चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में जानेंगे कि आपका वोटर आईडी कार्ड के साथ आधार कार्ड लिंक हुआ या नहीं। मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर आ गया हो तो चलिए सिंपल आपको क्या करना है, आपका मोबाइल फोन में ब्राउजर ओपन कर लेना है। तो चलिए सिंपल मैं जो है क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेता हूँ। सिंपल मुझे पे सिंपल सर्वर पे सर्च करना, देखिए पे nvsp.in, चलिए सिंपल सर्च कर लेता हूँ nvsp.in। जैसे कि nbfc.in लिख के मैं सर्वर पे सर्च करूंगा तो गाइस आप देख सकते हो गवर्नमेंट का ऑफिशियल वेबसाइट है, डायरेक्टली यहाँ पे आप लोगों को लेके चला आएगा। तो आप भी सिंपल क्या करना है, नीचे की ओर स्क्रॉल करते जाना, काफ़ी सारा ऑप्शन आएगा, सिंपल मुझे एकदम नीचे की ओर आना है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, देखिए ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस, तो गाइस सिंपल आप लोग यहाँ पे क्लिक कर देना है। जैसे कि आप अपने यहाँ पे क्लिक करोगे सिंपल देखिए स्टेट, और देखिए आप लोगों के पर इंटर रेफरेंसर आईडी, तो आपका जो भी स्टेट है आप अपने स्टेट को यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद आप क्या कीजिए, आप देखिए इंटर रेफरेंसर आईडी, आपको रेफरेंसर आईडी आपको यहाँ पे देना होगा, तब आप जाके चेक कर सकते हो। तो आप ये बोलोगे कि मैं रेफरेंसर आईडी में कहाँ से लेके आऊँ, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ आपके पास भी रेफरेंसर आईडी है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ। देखिए जैसे कि आपने अपना वोटर आईडी कार्ड को फर्स्ट टाइम जैसे अपना वोटर आईडी कार्ड को आपने जब आधार कार्ड के साथ लिंक किया था, देखिए सब कुछ फाइनल काम होने के बाद लास्ट में आप लोग एक रेफरेंसर आईडी मिल गया था। एग्जांपल के लिए मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ, देखिए जैसे कि मैं अपना वोटर आईडी कार्ड के साथ जब भी मैं अपना आधार कार्ड को लिंक कर रहा था लास्ट में सब कुछ फाइनल काम होने के बाद, देखिए वह लिखा थैंक यू करके लिखा आ गया था, और देखिए इसमें लिखा रेफरेंसर आईडी। तो ये रेफरेंसर आईडी आप लोग को कॉपी करना है। अगर आपने अभी भी अपना वोटर आईडी कार्ड के साथ अगर आपने आधार कार्ड को लिंक नहीं किया तो वो वीडियो भी मैं बना चुका हूँ, आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक रहेगा, वो वीडियो को देख कर भी आप अपना वोटर आईडी कार्ड के साथ आधार कार्ड को लिंक कर सकते हो, और तभी आप एक गलती मत करना, ओके। आपको जो है फिर ये रेफरेंसर नंबर को पता कर लेना है। रेफरेंसर नंबर जैसे कि आपने स्क्रीनशॉट ले लोगे, अब भी सिंपल आपको क्या करना है कि रेफरेंसर आईडी को लेके आपको सिंपल पे यहाँ पे इंटर करना है। जैसे कि आपने यहाँ पे इंटर करोगे पूरा फुल इन्फॉर्मेशन आ जाएगा। चलिए मैं आप लोगों को लाइव प्रूफ करके दिखा देता हूँ। गाइस देखिए जैसे कि मैं यहाँ पे जो है स्टेट को सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद सिंपल में जैसे कि मैं यहाँ पे रेफरेंसर आईडी में दे दिया, उसके बाद सिंपल में ट्रैक स्टेटस पे क्लिक करूंगा। देखिए जैसे मैं ट्रैक स्टेटस पे जैसे कि मैं क्लिक किया, आप देख सकते हो बड़ा फुल इन्फॉर्मेशन मेरे सामने आ गया है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, देखिए सिंपल सबमिट लिख के आ गया। अगर आपको जो यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा तो कैसे सिंपल पे आप लोगों को बताया जाए कि आपको रिजेक्ट हो गया, देख सकते हो एक्सेप्ट और रिजेक्ट, आप लोगों को दो ऑप्शन आ जाएगा। और आपको रिजेक्ट हुआ तो कैसे आप लोग ऐसे पता कर सकते हो, अभी देख सकते हो ग्रीन कलर का आ गया, पे सबमिट हो चुका है फाइनली। देखकर आपको सबमिट नहीं होता है, कुछ दिक्कत होता है, अगर आपने फॉर्म भरते वक्त कुछ अगर आपने मिस्टेक कर दोगे तो कैसे सिंपल आप लोगों को बताया जाएगा कि देखिए रिजेक्ट हो गया करके, आप लोगों के सामने पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन आ जाएगा, पूरा सब कुछ आ जाएगा, नेम वगैरह देखिए लास्ट नेम स्टेटस वगैरह जो भी सब कुछ आप ऐसे जो ना आप देख सकते हो, पूरा फुल इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने आ जाएगा। तो अब इस प्रकार से आप अपना स्टेटस को आप घर बैठे बैठे चेक कर सकते हो, बहुत आसान है, टाइम आप लोगों को ज़्यादा नहीं लगने वाला, 5 मिनट के अंदर हो जाएगा। अपने कोई शॉप में जाओगे ये चेक करने के लिए तो आपसे जो है 20-50 रुपये मांग ही लेगा, उससे अच्छा आप घर पे बैठ बैठ के ट्राई करो ना, क्या जाता है फ्री में आप लोगों को वीडियो देखने को मिल रहा है यूट्यूब में, पैसे तो नहीं लग रहा है ना, फ्री में देख रहे हो वीडियो, बस खाली क्या करना है जिससे थोड़ा सपोर्ट करना है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर तो सब्सक्राइब कर देना है ताकि आगे भी इससे अच्छे अच्छे वीडियो आप लोगों को मैं दे सके। तो गाइस आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं हो तो सिंपल नीचे दिया रेड बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए इसके लिए इतना ही, फिर देख सौ एक इंटरेस्टिंग वीडियो पर, तब तक के लिए अच्छे अपने ख्याल रखिए, ओके बाय।